الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کہنے اور سننے سے بیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں رواں اس اجلاس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس اجلاس میں جلسے کی سرپرستی فرمانے کے لیے شہزادہ سید السادات اولاد رسول فرزند بطول حضرت علی کی آنکھوں کے نور محبوب المشائخ مخدوم العلماء منظور نظر حضور تاج الشریعہ معتمد حضور محدث کثیر طریقت رہبر راہ شریعت محافظ مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید شاہ گلزار میاں صاحب چبلہ واسطی اسماعیلی مدد لہو العالی بنفس نفیس یہاں موجود ہیں حضرت کے ساتھ میں نے بہت جلسے کیے اور حضرت کا حکم بھی ہوتا رہتا ہے غائبانہ طور پر لوگ بتاتے بھی ہیں کہ حضرت نے آپ کے نام کو پسند فرمایا اور تاکید فرمائی مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ جلسہ یا وہ تمام جلسے جس میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں وہ ہم لوگوں کی تقریر سے کامیاب ہوتے ہیں بلکہ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جس جلسے میں حضور گلزار ملت تشریف فرما ہوتے ہیں وہ جلسہ خود بخود کامیاب ہو جائے گا
और दूसरी खसूसियत यह है कि इनका जलसा बरेली शरीफ का जलसा लगता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और भी बहुत सारे जलसे होते हैं, हम लोग जाते रहते हैं, मुल्क बैरून मुल्क में सफर होता है, अफ्रीका और यूरोप के सहराओं में भी तकरीरें होती हैं, लेकिन हुजूर गुलजार मिल्लत के जलसे की यह खसूसियत मैंने नोट की कि ये जिस जलसे में शरीक होते हैं लगता है कि बरेली शरीफ के उर्स वाला जलसा। हत्ता के उर्से मसौली में भी कई बार शरीक हुआ तो मुझको लगा ही नहीं कि ये उर्से मसौली है, ऐसा महसूस हो रहा था कि उर्से आला हजरत में हम लोग बैठे हैं। और जितने खुतबा जो अच्छी तकरीर करने वाले हैं, हजरत फरमाते हैं कि आला हजरत पे तकरीर कीजिए, मुफ्ती आजम पे तकरीर कीजिए, ताज शरिया पे तकरीर कीजिए, हर सज्जादा नशी तो ये चाहता है कि उसके आबाओ अजदाद की करामतें बयान की जाए, उसके आबाओ अजदाद की अजमत का परचम लगाया जाए, पैसा उनका, स्टेज उनका, मेहनत उनकी, लेकिन सारे मुकर्रिन से ये फरमाते हैं कि आप अपनी तकरीर में आला हजरत का तारुफ करवाएं, आप अपनी तकरीर में मुफ्ती आजम की अजमत को बयान करें, हुजूर ताजुल शरिया की करामतें बयान करें। और मैं कहता हूं कि ये हुजूर गुलजार मिल्लत की तवाज़ो है और अल्लाह के उन महबूबों से इनकी मोहब्बत हकीकत में अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत की दलील है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका रुतबा और ऊंचा कर देता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जमात अहले सुन्नत के अजीम मोहसिन है, जिन्होंने लाखों लाख मुसलमानों के दीन व ईमान की हिफाजत फरमाई, जब खानकाहों के तकद्दुस पर हमले हो रहे थे, आला हजरत इमाम अहमद रजा मैदान अमल में कूद कर पड़ते हैं, जब उर्स की शरई हैसियत को चैलेंज किया जा रहा था, इमाम अहमद रजा किताबें लिख रहे हैं, जब नबी अकरम के इल्म गैब को चैलेंज किया जा रहा था, आला हजरत इमाम अहमद रजा का कलम चल रहा है। हुजूर गुलजार मिल्लत फरमाते हैं कि जब खानकाहों के तकद्दुस पर हमला हो रहा था तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने खानकाहों की इज्जत बचाई, और आज अगर मसलक आला हजरत पर हमला हुआ तो हम खानकाह वालों की जिम्मेदारी है कि आला हजरत के मसलक का दफा करें। आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, 10वीं सदी हिजरी के बाद पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा के टक्कर का न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ न कोई मुहक्किक पैदा हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई। मैं यकीन की बुनियाद पर और तहकीक की बुनियाद पर बोल रहा हूं कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के बाद पूरी दुनिया में, चाहे वो आलम अरब हो या आलम आजम हो, इमाम अहमद रजा के चक्कर का कोई मुहक्किक पैदा ही नहीं हुआ जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने दीन की ऐसी खिदमत की, मुसलमानों के अकायद का ऐसा तहफ्फुज़ फरमाया कि आज आला हजरत से मोहब्बत दीनों सुन्नियत की अलामत। और ये कोई मुबालगे की बात नहीं है, अल्लाह ताला अपने कुछ महबूबों को चुन लेता है
जिनकी मोहब्बत दीन और ईमान की अलामत करार पाती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आयतुल मोमिने हुब्बुल अंसार व आयतुल मुनाफिके बुग्धुल अंसार। मोमिन की अलामत और पहचान यह है कि अंसारे मदीना से मोहब्बत करे, और मुनाफिक की पहचान यह है कि वो अंसारे मदीना से दुश्मनी करे। और हजरत अली के बारे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन कभी अली से नाराज नहीं हो सकता और मुनाफिक अली से कभी खुश नहीं हो सकता। तो हजरत अली भी उन्हीं शख्सियात में हैं कि उनकी मोहब्बत ईमान की पहचान है और उनकी अदावत और दुश्मनी ये गुमराही और बदीरी की दलील। और दौरे अखीर में आला हजरत इमाम अहमद रजा भी उन्हीं मखसूस बंदों में शामिल है जिनकी मोहब्बत दीन और ईमान की अलामत और पहचान है और उनकी अदावत और दुश्मनी ये गुमराही और बदीनी की दलील। अल्लामा सैयद आलमी मालिकी फरमाते नहलो नारिफु बितसनीफाति व तालीफाति हुब्बुहु अलामतु सुन्निया व बुग्धुहु अलामतु बिदअह। हम इमाम अहमद रजा को उनकी तसनीफ और तालीफ के जरिए पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना सुन्नी होने की दलील है और उनसे अदावत और दुश्मनी करना ये गुमराही और बदीनी की दलील है। और अल्लामा मगरिबी फरमाते हैं इज़ा जाअ रजुलुन मिनल हिन्द फसअल्लाहु अनिल इमाम अहमद रजा। जब हमारे पास हिंदुस्तान के हुज्जाज आते हैं और हमें ये जांचना होता है कि ये सुन्नी है कि सुन्नी नहीं है, हम उसके सामने आला हजरत का तज़किरा करते हैं, आला हजरत का खुतबा पढ़ते हैं और उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरे पर खुशी और मसर्रत के आसार नुमाया हो जाए तो अलिमना अन्नहु मिन अहलि सुन्नत वल जमाअ, हम फौरन समझ जाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअ से है। और अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा बिगड़ जाता है तो अलिमना अन्नहु मिन अहलि बिदअ व दलाला, हम फौरन समझ जाते हैं कि ये बिदअती और गुमराह है। आला हो मेआर इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत का मेआर है। और इमाम अहमद रजा को ये अजमत आला हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा को ये रुतबा आले रसूल की अजमत और उनकी मोहब्बत के सदके में मिला। और ये आज की बात नहीं है, इमाम आजम अबू हनीफा की तारीख और सीरत का मुताला करो। इमाम आजम अबू हनीफा अपने जमाने के सबसे बड़े इमाम, और सिर्फ अपने जमाने के नहीं बल्कि क़यामत तक जितने फुकहा पैदा होंगे फिक्र के मामले में इमाम आजम अबू हनीफा उनके बाप है और क़यामत तक पैदा होने वाले सारे फुकहा उनकी औलाद। ये मैं नहीं कहता, हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं अन्नासु फिल फिक्र अयालु अबी हनीफा मल्लम यंदुर फी कुतुबी लम यतफक्का फिल दीन वलम यतबाहर। फिक्र के मामले में सारे फुकहा इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद है और इमाम आजम अबू हनीफा सारे फुकहा के बाप। जिसने उनकी किताबों को पढ़ा नहीं न फकीर बन सकता है न मुतबाहिर आलिम दीन बन सकता है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा का क्या हाल है जब आप इमाम बाकिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पहुंचे। और इमाम बाकिर कौन है? हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे। और इमाम जैनुल आबिदीन कौन है? हजरत इमाम हुसैन के शहजादे। और हजरत इमाम हुसैन को जानते ही हजरत अली और हजरत फातिमा के शहजादे, नबी के नवासे। इन्हीं का सिलसिले कादरिया में यूं जिक्र है, सैयद सज्जाद के सदके में जारी रख मुझे इल्म हक से बाकिर इल्म होना के वास्ते। इमाम बाकिर कोई मामूली मौलवी नहीं थे बल्कि अपने जमाने के इल्मुल हुदा थे, इमामुल हुदा थे। इमाम आदम अबू हनीफा की खिदमत में पहुंचे और किसी ने इमाम बाकिर से कह दिया था कि हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा कयास बहुत करते हैं।
ये अकली घोड़ा बहुत दौड़ाते हैं, यहाँ तक के कयास और इश्तिहाद की बुनियाद पर रसूल पाक की हदीसों को भी रद्द कर देते हैं। जब इमाम आजम अबू हनीफा उनकी खिदमत में पहुंचे, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो उनके शागिर्द हैं और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के सिर्फ उस्ताद नहीं दादा उस्ताद, उन्होंने तारुफ करवाया कि ये फकीह इराक अबू हनीफा है। इतना सुनना था कि इमाम बाकी रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा बिगड़ गया। कहा तुम्हें अबू हनीफा हो जो मेरे जद्दे करीम की हदीसों को कयास की बुनियाद पर रद्द कर देते हो। इमाम आजम ने कहा हुजूर भला मैं ये कर सकता हूँ? लगता है हुजूर को किसी ने गलत रिपोर्ट दी। इमाम बाकिर ने फरमाया कि मुझे तो यही इत्तला मिली है कि तुम कयास बहुत करते हो और कयास की बुनियाद पर रसूल पाक की हदीसों को रद्द कर देते हो। आपने फरमाया हरगिज नहीं। हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं कुछ मसला पूछना चाहता। इमाम बाकिर ने फरमाया पूछो। इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा कि हुजूर बताए कि वरासत में डबल हिस्सा लड़की का है कि लड़के का है? इमाम बाकिर ने फरमाया कि डबल हिस्सा लड़के का है। लिस ज़कर मिस्रो हज़िल उन्तय, एक मुज़क्कर को दो मुअन्नस के बराबर दिया जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हुजूर बताए कि ज़ईफ और कमजोर लड़की है कि लड़का? फरमाया कि ज़ईफ और कमजोर तो लड़की ही है। कहा अगर मैं कयास की बुनियाद पर फतवा देता तो ये फतवा देता कि लड़की को डबल दिया जाए, क्योंकि जो ज़ईफ और कमजोर हो उसको माल की हाजत ज्यादा होती है। लेकिन मैं कयास की बुनियाद पर नहीं, कुरान अज़ीम की आयत की बुनियाद पर फैसला देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिस ज़कर मिस्लु हज़्ल उन्सैन, एक मुज़क्कर को दो मुअन्नस के बराबर दिया जाएगा। और यही फतवा आपका गुलाम अबू हनीफा ने दिया। कहा हुजूर इजाजत दे तो एक मसला और पूछ लो। कहा पूछो। कहा हुजूर नमाज अफजल है कि रोजा? इमाम बाकिर ने फरमाया कि नमाज अफजल। इमाम आजम ने फरमाया कि पीरियड के जमाने में औरतों की जो नमाजें छूट जाती हैं उनकी कजा नहीं है और जो रोजे छूट जाते हैं उनकी कजा है। इमाम बाकिर ने फरमाया बिल्कुल सही है, पीरियड के जमाने में जो नमाजें छूट जाएंगी उनकी कजा नहीं है और जो रोजे छूटेंगे उनकी कजा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया हुजूर अगर मैं कयास की बुनियाद पर फतवा देता तो ये फतवा देता कि नमाजों की कजा बदर्ज औला की जाए, क्योंकि नमाज रोजे से अफजल है। जब रोजों की कजा हो रही है तो नमाज की कजा क्यों नहीं होगी? लेकिन मैं कयास की बुनियाद पर फतवा नहीं। मेरे सामने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की हदीस है, उम्मे सलमा की हदीस है। ये हजरात फरमाती हैं जब हमें हैज आता नमाजें छूटती तो रसूल पाक नमाजों की कजा का हुक्म नहीं देते और जब रोजे छूटते तो रसूल पाक उनकी कजा का हुक्म देते। यही फतवा तो मैं भी देता हूँ। वक्त का इमाम खड़ा होता है और इमाम आजम अबू हनीफा भी खड़े होते हैं और इमाम बाकिर ने इमाम आजम अबू हनीफा की पेशानी को पैसा देते हुए इरशाद फरमाया मुबारक हो अबू हनीफा, जब तक तेरे जैसा इमाम इस धरती पर मौजूद है रसूल पाक की हदीसों को कोई बदल नहीं। और जब इमाम बाकिर दुनिया से चले गए तो उनके साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतजामे पेश करते रहे। इमाम आजम अबू हनीफा बूढ़े हो चुके हैं। एक आदमी ने सवाल किया कि हुजूर आपकी उम्र कितनी है? तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि मेरी उम्र 2 साल है। पूछने वाले ने कहा हुजूर आप बूढ़े हो चुके हैं और फरमाते हैं मेरी उम्र 2 साल है। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जिन 2 सालों को मैंने इमाम जाफर सादिक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارا ہے اسی کو میں اپنی عمر مانتا ہوں, آگے پیچھے کی زندگی کو بیکار سمجھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا لولا سنتان لہلك النعمان, اگر یہ دو سال نہ رہے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گئے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام آدم ابو حنیفہ نے بھی اولاد رسول کی عظمت کو تسلیم کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ آدمی اپنی محنت اور کسب سے کمال کے درجے پر پہنچ سکتا ہے, لیکن تکمیل کا مرحلہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کسی عالم ربانی اور آل رسول کے دامن سے منتقل نہ ہو. اور اعلی حضرت امام محمد رضا جس غوث پاک اور آل رسول کا احترام نہیں کرتے تھے, جو تفرق غوث پاک سے منسلک ہو جائے منسوخ ہو جائے اس کا بھی احترام کرتے تھے. شیخ الاسلام یہ سید صاحب کا تفرق ہے, ابھی ان کی ناک سننی ہے, بھاگنا نہیں ہے آپ کو. شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد ہیں, محدث عالم کشتی سید محمد ان کا نام. جب مدرسے سے فارغ ہو گئے اور گھر والوں نے سوچا کہ ان کو بہت بڑا مفتی بنا ہے اور بڑا مفتی بننے کے لیے کسی ماہر مفتی کے پاس تربیت لینی پڑتی, فتوا نویسی کی تربیت حاصل کرنی پڑتی, صرف کتابیں پڑھ کے کوئی مفتی نہیں بن سکتا. جب تک کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کئی سال تک مسلسل فتوا نویسی نہ کرے, جیسے صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں کئی سال وہ پریکٹس نہیں کرے گا اس وقت تک تجربات کی دولت سے مارا مار نہیں ہوگی. پورے ہندوستان میں ان کے گھر کے مربیوں نے نگاہ دوڑائی تو اس وقت غیر منتظم ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی تھے, ان پر نگاہ انتخاب ٹھہری. فیصلہ ہوا کہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں ان کو بھیجا جائے اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں رہ کر یہ فتوی نویسی کی ٹریننگ حاصل کریں. اعلی حضرت سے گفتگو ہوئی, اعلی حضرت نے فرمایا شہزادے کو بالکل بھیج دے, میرے پاس جو کچھ ہے ان کے جتنے قریب دادیاں ہیں, شہزادے کو بھیج دے اور یہ یاد رکھے کہ علم مناظرہ اور فتوا نویسی یہ تو ایسے فن ہے کہ بغیر استاد کامل کے یہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں, اور الحمدللہ ان دونوں فن کو حاصل کرنے کے لیے احمد رضا سے بہتر کوئی جگہ نہیں. محدث اعظم کشتوی پہنچے, پہلے دن مہمان رہے, دوسرے دن اعلی حضرت امام محمد رضا نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلایا. چارپائی بچھی ہوئی تھی, ایک طرف اعلی حضرت بیٹھے ہیں اور دوسری طرف محدث اعظم کشتوی بیٹھے جو فتویٰ نویسی کی ٹریننگ لینے کے لیے وہاں پہنچے. اعلی حضرت نے ذمہ داری دینے سے پہلے اپنی جیب خاص سے اس زمانے میں 11 روپیہ نکالے اور خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر آ. خادم گیا تبرک لے کر آیا, اعلی حضرت نے چارپائی پر تبرک رکھا اور فاتحہ پڑھی, غوث پاک کے نام فاتحہ پڑھی اور اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھایا, محدث اعظم کو عطا فرمایا لیجئے یہ تبرک کھا لیجئے. انہوں نے کھا لیا. اس کے بعد اعلی حضرت امام احمد رضا نے بقیہ تبرک اپنے خدام کو عطا فرمایا کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں. خدام نے آپس میں بانٹ کر کے کھا لیا. محدث اعظم کا بیان ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا اپنی چارپائی سے نیچے اتر آئے. میں نے سوچا شاید کوئی حاجت اور ضرورت ہوگی, گھر میں جانا چاہتے ہوں گے, لیکن خدا کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ وقت کا امام زمین پر بیٹھ گیا اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے اعلی حضرت امام احمد رضا اپنا سر جھکا رہے ہیں. میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تبرک بانٹنے والا
والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے اور وقت کا امام اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ جھک کر اپنی زبان سے اٹھا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ ویسے پاک کے تبرک کا جب کالا حضرت کے دل میں اتنا احترام ہے تو اولاد غوث آدم کا اعلیٰ حضرت کے دل میں کتنا احترام. اور اسی احترام نے اعلی حضرت کو سادات کرام کا مقتدا بنا دیا. سادات کرام جو اعلی حضرت سے سچی محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اعلی حضرت میرے غلام ہیں. اعلی حضرت پوری زندگی سادات کرام کی غلامی کی نسبت پر فخر کرتے رہے, سادات کرام سے معاتب کرتے رہے, لیکن کبھی اعلی حضرت کے ماننے والے سادات نے یہ نہیں کہا کہ اعلی حضرت میری چوکھٹ کے بھکاری ہے, اعلی حضرت میرے غلام ہیں. گلزار ملت اگر اعلی حضرت کا تعارف کرواتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میرے خاندان کے اجداد کے غلام ہیں, بلکہ گلزار ملت یہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت میرے مقتدا ہیں, اعلی حضرت میرے پیشوا ہیں, اعلی حضرت میرے مجدد ہیں, اعلی حضرت میرے سر کا تاج ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا نے خانقاہوں کی عظمت بچائی تو خانقاہوں کے سادات جو اعلی حضرت سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اعلی حضرت کو اپنے سر کا تاج. اور اعلی حضرت کو اسی محبت نے اتنا نوازا, اتنا نوازا کہ اعلی حضرت غوث پاک کے نائب مطلق اور مظہر اعظم بن گیا. پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم, شیخ المشائخ, پیر طریقت, حضرت علامہ سید شاہ پیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ, یہ شرف پور ان دنوں پاکستان میں پڑتا ہے, اس وقت سب ہندوستان میں تھے. انہوں نے خواب دیکھا, خواب میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی. علامہ شرف پوری نے سرکار غوث پاک سے پوچھا, حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب بریلی کے مولانا احمد رضا خان. سبحان اللہ, ان کے دل میں اعلی حضرت کی ایسی عظمت پیدا ہوئی. اپنے مریدین سے پوچھا کہ یہ بریلی کہاں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغربی اتر پردیش میں بہت مشہور و معروف شہر ہے. کہا یہ اعلی حضرت کون ہے؟ کہا بہت بڑے عالی. اعلی حضرت کی بارگاہ میں شرف ملاقات کے لیے پہنچی. مہینوں کی مسافت طے کرنے کے بعد جب اعلی حضرت کی خدمت میں پہنچے اور اعلی حضرت کو سلام کیا, اعلی حضرت کو مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا, تو اعلی حضرت امام احمد رضا نے ان کا ہاتھ چوم لیا, ان کے ہاتھ کو بوسا دیا. انہوں نے کہا, حضور آپ مجھ کو جانتے نہیں ہیں, میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور آپ نے میرے ہاتھ کو چوم لیا, بوسا دیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو غوث پاک کو اپنے خواب میں دیکھتا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کا پاؤں بھی چوما جائے گا. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, جب سرکار غوث پاک کو اپنے خواب میں کوئی عالم دیکھ لے وہ اس درجے پر پہنچ جائے کہ وقت کا امام اس کی دست بوسی کرے اور یہ فرمائے کہ جو سرکار غوث پاک کو اپنے خواب میں دیکھتا ہو وہ تو اس قابل ہے کہ صرف ہاتھ نہیں اس کا پاؤں بھی چوما جائے. تو جو سرکار غوث پاک کی اولاد ہو, ان کی نسل میں ہو, اس کا ادب و احترام کتنا ہونا چاہیے, اعلی حضرت کی اس واقعے سے ظاہر ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں علامہ شرف پوری حاضر ہوئے.
अल्लामा शरफपुरी कई दिन तक आला हजरत के मेहमान रहे और आला हजरत की बारगाह में इंतजाम फैज किया। जब वहां से शरफपुर गए एक मजमे आम को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, लोगों मैं बरेली से आ रहा हूँ, आला हजरत इमाम अहमद रजा से मुलाकात करके आ रहा हूँ और खुदा की कसम मैंने देखा कि उनके कमरे में हुजरे में एक पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे रसूल पाक जिन्हें आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और जो कुछ सरकार फरमा रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं, वही अहमद रजा बोल रहे हैं, अहमद रजा की है लेकिन बातें रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत ताज शरिया ताज शरिया। ये शान है आला हजरत इमाम अहमद रजा की। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को बहुत से पास ने इतना नवाजा कि आला हजरत अपने जमाने में सरकार बहुत से पास के नायब आजम और उनके मजहरे अदम बन गए और अदब इहतराम का ये आलम कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं तुझसे दर दर से सब और सब से है मुझको इज्जत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, मेरी इज्जत की कसम खाए सगाने का सिंध में रह के भी देता रहूं तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सगाने बगदाद बगदाद में है लेकिन गौसे पाक की अजमत पर पहरा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हिंदुस्तान में रहकर भी सरकार गौसे पाक की अजमत का तहफ्फुज़ कर रहे हैं, इसीलिए बारगाहे गौसिया से आला हजरत इमाम अहमद रजा को वो इनाम मिला है कि आला हजरत अगर इल्म शरीयत में अपने जमाने के इमाम है तो आला हजरत इल्म तरीकत में भी अपने जमाने के इमाम। और आला हजरत इमाम अहमद रजा कोई ऐसे मुजद्दिद नहीं है कि जिनको चमचों और दलालों ने मुजद्दिद बना दिया, जाहिल मुबल्लिगीन ने जिनको मुबल्लिग बना दिया, मुकर्ररों के मानने वालों ने मुबल्लिग बना दिया, आला हजरत इमाम अहमद रजा ऐसा मुजद्दिद है कि पटना की सरजमीन पर गैर मुंतसिम हिंदुस्तान के उलमा की मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ उलमा और मशायख 1000 से ज्यादा थे और अवाम उन्नास अगर जोड़ दिया जाए तो लाखों लाख की तादाद थी। ताजुल फौल ने पटना की सरजमीन पर 14वीं सदी हिजरी के मुद्दती की हैसियत से जिस शख्सियत के नाम का ऐलान फरमाया वो शख्सियत कोई और नहीं आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसीलिए आला हजरत का मसलक आज पूरी दुनिया में चमक रहा है, दुनिया के जिस खत्ते में चले जाइए मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है। मुखालफत करने वाले मुखालफत कर रहे हैं लेकिन आला हजरत की शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है बल्कि रसूल पाक के मौजूदात में से एक अली मौजूदे का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है। दबाव से पाक की करामतों में से एक जिंदा करामत का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह। आला हजरत की जात तो वो है कि उलमाए हरमैन से ये बैन ने आला हजरत की बाज तहरीरों को देखने के बाद फरमाया, वल्लाह लौकी लफी है इन्नहु मुजद्दिदु हाज़ल क़र्न लकाना हक़्क़न व सवाब। खुदा की कसम अगर आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में ये ऐलान कर दिया जाए कि ये इस सदी के मुजद्दिद है तो इस
में कोई मुबालमा नहीं बल्कि 100% ये बात सही है। आज तो ऐसे ऐसे लोग मुजद्दिद बन रहे हैं कि नौमीर भी पढ़ाने की तमीज नहीं, पंजगन की गर्दान भी नहीं सुना सकते। जाहिल पीर और जाहिल मुबल्लिग अपने आप को मुजद्दिद कहते हैं, ताजुल शरिया की जूती के बराबर भी तुम्हारी हैसियत है। जिंदाबाद आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत ताजुशरिया जैसा हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत दीन और ईमान की अलामत और पहचान। मुखालफत करने वाले मिट गए, वो खानकाह है तबाह और बर्बाद हो गई जो आला हजरत की मुखालफत में उठी। वो खुतबा जिनके दरवाजे पर प्रोग्राम देने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आज गलियों और कूचों में पत्थरबाजों की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो पिलाने तरीका जिनसे मुसाफा करना दुश्वार था, आज 500 रुपयों से प्रोग्राम देने के लिए तैयार है। ये नतीजा है आला हजरत इमाम अहमद रजा की मुखालफत का। अगर इमाम अहमद रजा को अपने सर का ताज समझते तो आज तुम भी दुनिया के हिस्से में ऐसे ही बुलंद पारा पाए जाते जैसे गुलजार आला हजरत इमाम अहमद रजा की जात मोहताज तारुफ नहीं है। मुखालफत करने वाले मुखालफत करते रहेंगे लेकिन आला हजरत तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेशक तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله। हर जमाने में एक गिरोह हक पर रहेगा, हक को कायम करेगा। मुखालफत करने वालों की मुखालफत का उसकी जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर में उस गिरोह के सरदार कामिल थे जिन्होंने मानी ने ज़कात के खिलाफ के हाथ का बकला देकर ये बता दिया कि आज सुन्नत की पहचान यह है कि जो मसलके सिद्दीकी पर कायम है वही सच्चा मुसलमान है, सच्चा सुन्नी है, और जो मानी ने ज़कात के खेमे में नजर आ रहा है वो डुप्लीकेट मुसलमान। जमाना आगे बढ़ा, हजरत अली करम अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में दो गिरोह पैदा हुए, एक राफजी के खारिजी। राफजियों ने हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर इब्ने खत्ताब की फजीलत का इनकार किया और खारिजियों ने नबी के दोनों दामादों से मोहब्बत को दुश्मनी में तब्दील कर दिया। उस दौर में इमाम आजम अबू हनीफा ने आले सुन्नत की पहचान बताई, तब्दील शेख है तब्दील खतन है, जो सिद्दीक अकबर और उमर इब्ने खत्ताब को तमाम सहाबा में सबसे अफजल माने वो सच्चा सुन्नी है, और जो नबी के दोनों दामादों से सच्ची मोहब्बत करे वो सुन्नी है। जो तब्दील शेख है का इनकार करे इनकार करे वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं। शैखैन की अलामत मुकर्रर की गई राफिजियों से बचने के लिए और हुक्म खतनैन की अलामत मुकर्रर की गई खारिजियों से बचने के लिए। और कुछ ही दिनों के बाद मुतज़िला फिरका पैदा हो, उसने मसा अल खुफैन का इनकार कर दिया। जबकि इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि इस बाप में इतनी हदीसें आई कि दिन के उजाले की तरह हदीसें मेरे सामने आ गई, तब जाकर मैं ये मसाला खुद
زبیر کا مولیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں سنیوں کی تین پہچان بتائی، تبدیل شیخین، حکم خطرین، المخرا الحسین. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، آگے سنت کو ممتاز کرنے کے لیے کسی نہ کسی علامت اور نشانی کی ضرورت. بے شک سبحان اللہ، جو زمانہ اور آگے بڑھا، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس دور میں ایک فاطم فرقہ پیدا ہوا جس کو معتزلہ کہتے ہیں. اس نے کہا جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند اور سورج مخلوق ہیں، وادیوں کو بہار مخلوق ہے، اسی طرح ماذا اللہ قرآن بھی مخلوق. بہار جو مخلوق ہے وہ مٹنے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے آدم ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہتا ہے، گویا بالفاظ دیگر اس قرآن کو مٹنے والا اور فنا ہونے والا بتا رہا ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ہر صفت ازلی اور ابدی ہے، قدیم ہے. جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. امام احمد ابن حنبل نے اس دور میں جبکہ بڑے بڑے علماء گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، مامون کے سامنے کسی کو آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، امام احمد ابن حنبل نے میدان عمل میں قدم رکھا اور معتزلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. القرآن کلام اللہ کے غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. اس دور میں اہل سنت کی پہچان یہ ہوئی کہ جو مسلک امام احمد ابن حنبل پر قائم ہے وہ سچا مسلمان ہے، اور جو معتزلہ کے خیمے میں نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان ہے. زمانہ اور آگے بڑھا اور اکبر کا زمانہ آیا. اکبر کی جاہل کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ ہر ہزار سال کے بعد ایک نئے دین اور ایک نئے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسلام کو ہزار سال بیت چکے ہیں، اس لیے ایک نئے دین کی ضرورت ہے. چنانچہ چند مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ باتوں کو چن کر ماجو نے مرکب تیار کیا اور دین الہی کے نام سے ایک کفری اور باطل دین دنیا کے سامنے پیش کیا اور طاقت کے زور پر دین الہی کو پھیلانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے دین الہی کے فتنے کو مٹانے کے لیے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا. مجدد الفسانی نے اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے قابل عقائد و نظریات کی تجزیہ کی. دور میں اہل سنت کی پہچان یہ بنی کہ جو مجدد الفسانی کے مسلک پر ہے وہی سچا مسلمان ہے، اور جو دین الہی کو مان رہا ہے وہ گمراہ اور بندی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمانہ اور آگے بڑھا، مجدد اعظم اعلی حضرت کا زمانہ آیا. ان کے زمانے میں ایک دو نہیں، ہزاروں فتنے تھے. وہابیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، شمانیانیت کا فتنہ، غیر مقلدیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ، سلح کلیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ، چکرالویت کا فتنہ، گادویت کا فتنہ. ان تمام فتنوں کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حضرت سکندری بن کر کھڑے ہو گئے اور تنہا تنہا ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا. آج کے تحقیقی کارناموں کو دیکھنے کے بعد علماء حرمین طیبین اور علماء ہندوستان نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس دور میں سچا مسلمان وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے. علامت کے بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدل جاتی، جیسے جیسے باطل فرقے آتے رہیں گے علامتیں بدلتی رہتی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا کہ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے بہتر کوئی لفظ ہے کہ جس سے تمام باطل فرقوں سے امتیاز ہو جائے؟ جو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں بولنا چاہیے، میں کہتا ہوں تب کیا بولا جائے؟ تمہارے باپ کا مسلک بولا جائے؟ تمہارے باپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے بجائے تمہارے باپ کا مسلک بولا جائے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی، اور علماء ہند و عرب نے اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد برداشت فرمایا کہ اس دور
आज तो अलमिया ये है कि देवबंदी से पूछे तुम क्या हो तो कहता है मैं सुन्नी हूँ, वहाबी से पूछो क्या हो कहेगा मैं सुन्नी हूँ, गैर मुसल्लिम से पूछो क्या हो तो कहेगा मैं भी सुन्नी हूँ, जमाती इस्लामी से पूछो क्या हो कहेगा मैं सुन्नी हूँ, मौलवी से पूछो क्या हो कहेगा मैं सुन्नी हूँ, नगला वालों से पूछो क्या हो कहेंगे हम सुन्नी हैं, देवबंद वालों से पूछो क्या हो कहेंगे हम सुन्नी हैं, चकरालविया से पूछो तुम क्या हो कहेंगे हम सुन्नी हैं, नेचरियों से पूछो क्या हो कहेंगे हम सुन्नी हैं, जितने बातिल फिरके हैं सब अपने आप को सुन्नी कहते हैं, और देवबंदी तो चार हाथ आगे बढ़े हुए हैं, वो सिर्फ सुन्नी नहीं बल्कि अपने आप को हनफी भी कहते हैं, इमाम आजम का मुकल्लिफ भी बताते हैं, लेकिन उनकी किताबें उठा कर देखो जरूरियात दीन का इनकार इन्होंने किया है, अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी इन्होंने की है, सादात इकराम की अज़मत पर हमला इन्होंने किया है, बुजुर्गाने दीन के तकद्दस पर पामाल इन्होंने किया है, ये कैसे सुन्नी हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में यही ऐलान कर रहे हैं हम सुन्नी हैं हम हनफी हैं। अब इस दौर में तुम अपने आप को सिर्फ सुन्नी कहोगे तो बताओ इन बातिल सुन्नियों से, इन डुप्लीकेट सुन्नियों से, इन फर्जी सुन्नियों से इम्तियाज कैसे होगा, अगर सिर्फ मसलक के इमाम आज़म अबू हनीफा का नारा लगाओगे तो देवबंदियों से इम्तियाज कैसे होगा, इसलिए कि तमाम बातिल फिरके अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि मसलक के आला हजरत की अलामत कायम की जाए, जो भी तुम्हारे सामने आए और कहे कि हम सुन्नी है हम हनफी है हम कादरी है हम चिश्ती है हम नक्शबंदी है हम सरवर्दी है, कहो सब पूछो बताओ मसलक आला हजरत को मानते हो या नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह आला हजरत आला हजरत भारी है आला हजरत आला हजरत जिंदाबाद 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 भारी रहे भारी रहे अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अब बताओ सिर्फ सुन्नी और हनफी कहने से इम्तियाज हो जाएगा? नहीं इम्तियाज हो पाएगा। उसको एक मिसाल के जरिए समझो, एक कंपनी है बहुत पुरानी कंपनी है, उसका प्रोडक्ट और सामान पूरी दुनिया में तमाम यकीन के साथ खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है, एक डुप्लीकेट कंपनी मार्केट में आ गई, डुप्लीकेट सामान बनाना शुरू किया और ओरिजिनल कंपनी का लेबल लगाकर पूरी दुनिया में अपना सामान फैलाना शुरू किया, ओरिजिनल कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ, ओरिजिनल कंपनी को जब मालूम हुआ कि हमारी कंपनी का लेबल लगाकर डुप्लीकेट सामान दुनिया में फैलाया जा रहा है तो बताओ ऐसे आलम में ओरिजिनल कंपनी क्या करेगी, क्या अपना नाम बदल देगी? नाम नहीं बदलेगी, बहुत मुश्किलों से उसने नाम कमाया है, बल्कि वो एक नया ट्रेड मार्क जारी करेगी, एक नई अलामत और पहचान कायम करेगी और पूरी दुनिया में ऐलान करेगी, नक्कारों से सावधान, मेरी कंपनी के सामान को खरीदा जाए, फला अलामत देखकर खरीदा जाए, फला निशानी देखकर खरीदा जाए, अगर वो सामान मौजूद हो तो समझा जाए सामान ओरिजिनल है, और वो निशानी मौजूद ना हो तो समझा जाए सामान डुप्लीकेट है। इसी तरह अगर आज तक तुम्हारे सामने आए और कहे हम सुन्नी हैं हम हनफी हैं हम कादरी हैं हम चिश्ती हैं हम नक्शबंदी हैं हम सरवर्दी हैं, सब कुछ बताओ मुझे के आला हजरत को मानते हो या नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओरिजिनल सुन्नी है और हमारी नमाज करते समझ ले डुप्लीकेट सुन्नी है, क्योंकि इस दौर में मसलक के आले सुन्नत का नया ट्रेडमार्क आला हजरत की रोशनी में प्यार मोहब्बत उलमा ने आला हजरत इमाम अहमद रजा की अजमत का लोहा खोल लिया, बड़े बड़े
अकाबिर ने आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में खराज हकीकत पेश की। ने मसलके आला हजरत की हकानियत का ऐलान किया और अपने मानने वालों को मसलके आला हजरत पर चलने की तलकीन की और उन्हीं असलाफ के रास्ते पर चलते हुए हुजूर गुलजारे मिर्रज भी हर महफिल में अपने मुरीदीन को साफी के साथ मसलके आला हजरत पर चलने की ताकीद। बेशक आज मैं दिल्लौर एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। असलम भाई ने बड़ी मेहनत की, इन्होंने हम्माद हुसैन साहब जो इंडिको कंपनी में काम करते हैं इंडिको में, उनको लगा दिया था हजरत को लेकर। रास्ते में हम्माद आए हजरत का शेजा दिखाया, कहा कि ये देखिए नागपुर से छप करके आया है। तो मैंने कहा कि जरा एक शेजरा मैं भी दी देखू उसमें क्या लिखा। शेजरा मैंने खोला, हर चीज अपने मुरीद को कुछ न कुछ हिदायत करता है शरीयत की रोशनी, और ये उसका हक भी है। हुजूर गुलजार मिल्लत की हिदायत भी उस शजरे में छपी हुई। मैंने शजरा खोला, इत्तेफाक से हिदायत वाला पन्ना निकल गया जिसमें हिदायत लिखी हुई। आप यकीन करो सबसे पहली हिदायत नंबर एक पर जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि मेरे तमाम मुरीदीन अकायदे अहले सुन्नत यानी सलफे सालिहीन बुजुर्गान दीन खुसूसन आला हजरत के अकीदे पर सख्ती के साथ अपने सदरे में हिदायत के नंबर एक पर मसल के आला हजरत पर सख्ती के साथ कायल वाले की वसीयत और नसीहत कर रहा हो उसके इखलास और वफा में शुमार नहीं किया। यकीनन होती इस दौर में मसल के आला हजरत का सच्चा यकीन है मसल के आला हजरत का इसलिए पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर चले। हमसे अगर कोई पूछता है कि हजरत किससे मोहित हो जाए तो मैं सिर्फ दो आदमी का नाम बताता हूँ। मैं कहा अगर बरेली शरीफ में मोहित हो जाए आला हजरत के खानदान में तो जब ताजु शरिया थे तो हजरत का नाम लेता था, और ताज शरिया जब रुखसत हो गए तो उनके शहजादे का नाम दे। और शहजादे किराम में हुजूर गुलजार मिल्लत का नाम लेता हूँ, इसलिए कि शहजादे किराम में हुजूर गुलजार मिल्लत को मसलके आला हजरत से जिस तरह मोहब्बत करते हुए मैंने देखा है मैंने किसी और को नहीं देखा है। इसलिए मेरी नजर में मसलके आला हजरत की तरजीह जो इशाअत करने के लिए जैसे पीरों की जरूरत है उन पीरों ने सरे पीरी हुजूर गुलजार मिल्लत है और बरेली शरीफ में हुजूर अफजल मियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर चले। मेरी तकलीफ खत्म हो रही है, बहुत थका हुआ, पांच घंटा फ्लाइट लेट हुई सुबह से मुसलसल सफर ही सफर। और मेरी पिक की थैली का ऑपरेशन भी एक महीना पहले हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गुलजार मिल्लत की खास दुआओं के सबके में इस वक्त तकरीर कर रहा हूँ। आला हजरत के खलीफा है अल्लामा अब्दुल अली मेरठी। उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं यूरोप और अफ्रीका में भी पहुंचकर बेशुमार कालों और गोरों को इस्लाम का कलमा पढ़ा। उस दौर में मसलके आला हजरत की तरबियत इशाअत फरमाई, जिस दौर में सफर की सहूलतें नहीं थी वो हिंदुस्तान से पुराने कपड़े इकट्ठा करके ले जाते थे और अफ्रीका के गरीब कालों में तकसीम करते थे और फ्री में उन्हें इस्लाम की तालीम देते थे। उनकी तालीम के नतीजे में हजारों हजार हर्षी और काले लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। और साउथ अफ्रीका में खुद मैंने कई जगहों पर देखा कि अल्लामा अब्दुल अली मेरठी के नाम से मस्जिदें भी चल रही हैं और मदरसे भी। लेकिन आला हजरत की बारगाह में उनकी हाजिरी की शान क्या। आज तो थोड़ी सी किसी को शोहरत मिल जाती है तो सबसे पहले आला हजरत से टकराता, हम लोगों से नहीं टकराता, आला हजरत से टकराएं और वहीं खत्म भी हो जाता। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी का अमल देखो,
उनकी अकीदत देखो, वो आला हजरत के शागिर नहीं होते खलीफा। आला हजरत ने इंतसाब फैज किया है, आला हजरत से शुमार मसाइल पूछे हैं। हज के लिए गए, जब हज से खारिज हुए तो आला हजरत की शान में बहुत शानदार पसंदा जाता है। बरेली शरीफ आए और आला हजरत की बारगाह में पहुंच कर वो कसीदा पेश फरमाया। कई हाजिर मौजूद थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा बहुत खुश हुए। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते, मौलाना बताइए मैं क्या चीज आपको पेश करूं। आला हजरत के जिस्म पर एक कीमती जुब्बा था, फरमाते अगर ये जुब्बा मैं आपको पेश करूं तो आप उस पाक सरजमीन से आ रहे हैं कि आपके कदमों की धूल इस जुब्बे से बदल जाए। असर वाला मैं क्या चीज पेश करूं। फिर आला हजरत को नहीं रह गया सादाते किराम की सखावत, घर में गए और आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने दीन की जुब्बा लेकर अल्लामा अब्दुल अली मेरठी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में पेश किया। कहा कि अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ये तोहफा कबूल फरमाइए, सादाते किराम की सखावत को आपने देखा है और सादाते किराम से सब की मोहब्बत रखने वाले आले रसूल औलादे रसूल से सब की मोहब्बत रखने वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा की अकीदत भी देखो, मदीने से आ रहे हैं इसलिए काबिल एहतराम है, इनके कदमों की धूल इस जुब्बे से बदल जहां करो आला है। घर में गए संदूक खोला, एक कीमती जुब्बा लेकर आए और अल्लामा अब्दुल अली मेरठी को पेश किया। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी का अदम देखो, खड़े होकर जुब्बा लेते हैं, कभी सर पर रखते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी सीने पर रखते हैं और वही कसीदा कर रहे हैं। तुम्हारी शान में जो कुछ करो उससे सवा तुम हो, असी में जाने इंसान अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नफरे शरीयत और बड़ी पक्की, सीना मजमूर पर है ऐसे रहनुमा तुम हो, तुम्हें फैला रहे हो इल्म में अकराम के आलम में इमाम आलम सुन्नत नाइब हसन। आला हजरत सिर्फ मुजद्दिद नहीं है, अपने जमाने के वलियों के सरदार और सरकार के नायब मुतलक है, उनकी रूहानी और इल्मी अमानतों के अमीन है। इसलिए आला हजरत से मोहब्बत करो और जो मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम है उनसे भी मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके दिलों में आला हजरत और तमाम बुजुर्गान दीन की सच्ची अहमत और मोहब्बत पैदा फरमाए, मसलके आला हजरत पर इस्तफाना पैदा फरमाए। दुनिया में रहे तो मसलके आला हजरत पर रहे और जब दुनिया से हम उठे तो मसलके आला हजरत पर हमारा आत्मा हो, रहत में इससे रुके, शाकदार लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राधे होना।